Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. जैसे कि हम past years question papers को discuss कर रहे हैं, तो आज का जो हमारा chapter है वो है Laws of Return. आज के इस video lecture में हम जानेंगे कि past years में Laws of Return में क्या questions पूछे गए और कौन से questions कितने marks के लिए important है. अगर ये video आपके लिए किसी भी हिसाब से useful रहे तो please like, share और comment करना ना भूलें. आइए देखते हैं Laws of Returns के past questions. पहला क्वेश्चन 1996 में 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था और क्वेश्चन था द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन. इनका जो क्वेश्चन है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स दो एस्पेक्ट हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के, इन्हें आप एक्सप्लेन करेंगे. तो आपको क्या करना है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के साथ साथ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स को भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के हिसाब से अच्छी तरीके से फॉर 5 मार्क्स, सिर्फ 5 नंबर में. वैसे क्वेश्चन 20 मार्क्स में भी लिखा जा सकता है लेकिन 5 नंबर में पूछा तो यू हैव टू एक्सप्लेन इन 5 मार्क्स. अगला क्वेश्चन 1997 का फॉर 5 मार्क्स और क्वेश्चन है द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज ड्यू टू द स्केयरसिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लेन. जो ऑपरेशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का, ये स्केयरसिटी के फैक्टर्स के वजह से, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से है, ये आपको एक्सप्लेन करना है फॉर 5 मार्क्स, ठीक है. अगला क्वेश्चन 1999 का है फॉर 5 मार्क्स और क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स का लॉ एक्सप्लेन करना है, ठीक है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल जो है वो आपको 5 नंबर में एक्सप्लेन करना है. अगला क्वेश्चन 2002 का है फॉर 5 मार्क्स और क्वेश्चन है स्टेट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्शन. आपको मार्जिनल प्रोडक्शन का, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्शन का जो लॉ है वो आपको एक्सप्लेन करना है फॉर 5 मार्क्स. तो आप देख रहे हैं ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप 5 नंबर में अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. अगला क्वेश्चन 2005 में पूछा गया था फॉर 5 मार्क्स और क्वेश्चन था एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, व्हाट फैक्टर्स लीड टू इट्स ऑपरेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो आपको एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं उसमें उसको लीड करते हैं, ठीक है. अगला क्वेश्चन 2012 का है फॉर 10 मार्क्स और क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग आपको 5-5 नंबर में दोनों लिखना है, तो दोनों एक्सप्लेन कीजिएगा. अगला क्वेश्चन 2013 का है फॉर 20 मार्क्स और क्वेश्चन है एग्जामिन क्रिटिकली द लॉज ऑफ प्रोडक्शन. आपको लॉज ऑफ प्रोडक्शन को क्रिटिकली एग्जामिन करना है और उसे बताना है. अगला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था फॉर 5 मार्क्स और क्वेश्चन था, देखिए पिछला क्वेश्चन दोनों है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग, तो दोनों आपको 10-10 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है. अगला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था फॉर 5 मार्क्स और क्वेश्चन था मेंशन द रीजन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. रीजन पूछ रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तो आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स 5 नंबर में जो भी आप लिख रहे थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स दैट यू हैव टू एक्सप्लेन, ठीक है. और लास्ट क्वेश्चन 2016 का फॉर 20 मार्क्स और क्वेश्चन है स्टेट द लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल डायग्राम. जो लॉ है वेरिएबल प्रोपोर्शन का उसे आपको बताना है और सूटेबल डायग्राम के साथ आपको उसे बताना है. आई जस्ट होप कि आपको आइडिया लग गया होगा इस चैप्टर में क्या प्रिपेयर करना है. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे.